हेलो, जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूरी एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथियों, आप सभी बताया कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम खत्म हो गया और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होड़ लगी हुई है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा और इवन यहाँ तक कि रिजल्ट कब आएगा। भाई, अभी आपने पेपर दिया और चिंता तो होती ही होगी कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। जैसा मैं आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम लोग भी फील किए हैं। और यहाँ पर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है ना, कब आएगा और किस दिन आएगा और क्या कटअप रहने वाली है DVGD सबके लिए, और ऑफिशियल न्यूज़ भी बताऊँगा और कोस्ट गार्ड की नई भर्ती भी कब आएगी, ये सभी चीज़ें बताऊँगा, कन्फर्म डेट बताऊँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का आपने पेपर दिया ना, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG अपने नियमों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है और आप सभी को पता है कि टाइम से हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं ये लोग। तो साथियों, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ना, इसका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आ जाएगा। इवन 20 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए, 20 दिन से 30 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। मतलब मैक्सिमम जाएगा ना तो 1 मंथ जा सकता है आपका, आपका जो है ना 1 मंथ जा सकता है, ठीक है ना। आपका 1 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है आ जाएगा, लेकिन ये एक कन्फर्म डेट नहीं हुआ तो मैं आपको डेट भी बताऊँगा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला था नवंबर के मिड या एंड में, तो आपका मिड या एंड कहिए, आपका एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया आज। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिजल्ट जो है मिड, यहाँ पर रिजल्ट आपका कब आएगा ये भी बताऊँगा। यहाँ पर देखिए जो स्टेज 2 है ना, यहाँ पर दिया गया है एंड जनवरी, मतलब 1 महीने पहले यहाँ पर आता है, तो 1 महीने पहले यहाँ पर आपका आता है, ठीक है ना। 1 महीने पहले या 45 दिन पहले आपका आ जाता है कॉल लेटर, जो कि स्टेज 2 के लिए कॉल लेटर आ जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इंड मिड या इंड में कहा जा रहा है, यानी यही 22-24 तारीख से आपका जो है PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका हो जाएगा। ये जो भी आपने सेंटर डाला होगा वहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं यहाँ पर मिड जनवरी में यहाँ पर देख रहे हैं आपकी फिजिकल कराने को बोला जा रहा है, लेकिन तो यहाँ पर रिजल्ट भी भाई मिड दिसंबर में कम से कम इनको देना पड़ेगा। मिड दिसंबर में यहाँ पर रिजल्ट आने की चांसेस है। मिड बोले तो भाई, कहने का मतलब आज से मतलब 24 दिसंबर से पहले आ जाएगा रिजल्ट, इतना कन्फर्म जान लो। 24 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इससे पहले कब तक आएगा भाई? 24 दिसंबर बहुत लंबा डेट मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपका 12 से 15 दिसंबर तक यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड। पिछली बार जैसा कि आपको पता है कि 20-22 दिनों में रिजल्ट दे दिया था, उससे पहले एक बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने 19 दिन में रिजल्ट दिया था और कभी कभी तो 45 डेज भी लग जाते हैं। तो भाई, कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है ना मिड दिसंबर से पहले आ जाएगा। दिसंबर 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बाकी दिसंबर पार नहीं करेगा क्योंकि इनको जनवरी में फिजिकल लेना है। बात करते हैं आपका ज्वाइनिंग कब होगा। तो अर्ली जो पहला फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है ना, मई में आपका ज्वाइनिंग होगा। तो आप सभी लोग अभी से ही मतलब स्टेज टू के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट बनवाना चालू कर दीजिए। और बात करते हैं क्या क्या बनवाना है, वो सभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और बात करता हूँ कि आपको क्या करना है स्टेज टू के लिए। तो आपको PFT का जो भी स्टैंडर्ड है, जैसे आपका रनिंग है 7 मिनट में, फिर से पुशअप्स हैं 10 पुशअप्स हैं, फिर से 20 स्क्वाट्स हैं, तो ये सभी की तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। और देखिए, जनरली जो मतलब 80% ऐसे लोग होते हैं ना कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, PFT नहीं होता है, लेकिन ये PFT ICG या फिर इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स, ये भाई इन सभी का फिजिकल जो है ना बिल्कुल बच्चा का लेवल का, मतलब कोई भी 18 साल का बच्चा क्रैक कर सकता है, जो उनको सिर्फ जुनून होना चाहिए। तो आपको बस अभी से PFT का मतलब तैयारी कर लीजिए। थोड़ा बहुत आपको लगता है, मैं एक कटअप बताऊँगा, वो कटअप आप लोग जान लेना, और अगर आपको लगे कि हाँ मेरा सेफ जोन में स्कोर आ रहा है तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं, PFT का तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, बाकी अपना जो भी है मैं आपको बताता हूँ। साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले जीडी का बताता हूँ। तो जीडी में जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप 80+ किए हो ना, 80+ आपका सही आ रहा है, तो आप अपने फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। फिर से ओबीसी आप है ना, ओबीसी में अगर आप 76+ की हो ना तो आप तैयारी कर सकते हो। बाकी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस
EWS का भी मतलब भाई ये पिछले साल का कटअप क्या था, इस बार कटअप मैं ये नहीं बताऊंगा कि पिछले 5 सालों का कटअप क्या रहेगा, मैं इस साल की बात करूंगा। पेपर का एनालिसिस करने के बाद बच्चों द्वारा ये पाया गया कि इस टाइप का पेपर आया था, इस टाइप के कटअप जो रह सकते हैं मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हो कि EWS का कटअप जो है 75 प्लस रहेगा। भाई 75 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, लेकिन 4 में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बात करते हैं OBC हो गया, EWS हो गया, SC की बात करें तो SC में अगर आप 72 प्लस है ना तो आप तैयारी कर लीजिए, ST में आप 69 प्लस आपका है ना तो आप लोग स्टेज 2 की तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं DB वाले कैंडिडेट्स का, तो DB वाले कैंडिडेट्स बता दूँ OBC का कटअप इस बार 50 के आसपास रहेगा, एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जनरल का कटअप कम से कम 52 रहेगा, और बात करते हैं एक दो नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, तो 50 प्लस आपका है ना तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं SC कैंडिडेट, जो भी SC कैंडिडेट हैं तो अगर आप 47 प्लस की हो ना तो आप तैयारी कर सकते हैं। ST कैंडिडेट जो है ना, तो ST कैंडिडेट जो है ना 45 प्लस की हो ना तो आप तैयारी कर सकते हो। भाई मैं वो कटअप बता रहा हूँ जिनसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिनसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ PFT का कटअप बता रहा हूँ। तो अगर आप इतना किए हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा, मैं जो भी बताता हूँ अपने हिसाब से, मतलब काफ़ी गहन अध्ययन करता हूँ और काफ़ी मतलब सोच समझ कर वीडियो बनाता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा एक ही सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को मतलब शेयर करें। और हाँ, जिनका भी मार्क्स कम आ रहा है ना, जिनका भी मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है, तो आप सभी लोग घबराए मत, फिर से तैयारी कीजिए, दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अगर इसी में दिल लगा है तो मतलब इसका तैयारी एकदम धमाकेदार कीजिए और फिर से मतलब कोशिश कीजिए कि क्रैक करें एग्ज़ाम को। और हाँ, जिनका भी मार्क्स कम आ रहा है ना, थोड़ा कम आ रहा है ना, तो आप दिल पर इस वीडियो को मत लीजिएगा, और जिनका भी ज़्यादा आ रहा है ना तो PFT का तैयारी में एकदम लग जाइएगा, ठीक है। साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।